वक्त है श्री गंगानगर बनाम हनुमानगढ़ के बीच टॉस होता हुआ, रुक्मणी एक तरफ कप्तान, दूसरी तरफ है अक्षरा, सिक्का उछाला गया, देखते हैं किस तरफ जाता है। रुक्मणी ने टॉस जीता, रुक्मणी यानी श्री गंगानगर ने जीता, देखते हैं कितना फायदा उठा पाते हैं यहाँ पे। चलिए यह है इस वक्त श्री गंगानगर की टीम, तमाम अतिथि महोदय इसमें भारतीय संस्कृति के मुताबिक हौसला अफजाई आशीर्वाद प्रदान करते हुए श्री गंगानगर टीम के साथ। कितनी बेहतरीन टीम है, देखिए श्री गंगानगर स्थानीय जिले से अभिवादन स्वीकार करते इसमें सरदार जी हाथ से हाथ मिलाते हुए, और उनके साथ सिद्धार्थ जी भी नजर आते हैं, जबकि गुरजीत सिंह जी बराड NIS कोच और बेहतरीन आयोजक के रूप में तमाम निर्णायक मंडल इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं परिचय की ये वानगी इस वक्त है। अभिवादन विमला जी आचार्य और मधु जी, शिला जी चौधरी, मंजू जी जाखड़, तमाम कोचिज और ऑफिशियल्स के साथ। और ये है श्री गंगानगर आशीर्वाद प्रदान किया इस समय वर्षा पचार, रवीना शरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद की ये, और टीम कोच के रूप में इसमें अनु जी शुक्रिया के साथ खेल शुरू होता हुआ। दोस्तों 68वीं राज्य स्तरीय अंडर 14 कबड्डी प्रतियोगिता 2024 वर्षा पचार चली, पहली रेड लेकर बोनस का खूबसूरत प्रयास किया है। देखते हैं कैसी शुरुआत यहां हनुमानगढ़ को मिलती है। श्री गंगानगर की कप्तान रुक्मणी ने टॉस जीता और न्योता दिया इसमें हनुमानगढ़ को, बोनस से शुरुआत करता हुआ। 1994 में श्री गंगानगर की कोख से जन्म लेने वाला हनुमानगढ़ इस वक्त बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ, जबरदस्त एंगल होल्ड और डिफेंस से भी अब ताकत नजाकत पेश करता हुआ। 2-0 से आगे जहां श्री गंगानगर धान के कटोरे के नाम से मशहूर है, वहीं चावल के कटोरे के नाम से पहचान रखता है हनुमानगढ़। किक किया और वर्षा पचार फिर से पेचीदा अंदाज से अपने स्कोर को प्रदान करती मजबूतियां, बेहद रोमांचक मुकाबला। 11 नंबर पहचान संख्या से श्री गंगानगर बेहद रोमांचक सेकंड सेमीफाइनल इसमें आप देख रहे हैं। 14 वर्षीय छात्रा वर्ग में धक्का देकर बाहर धकेला हनुमानगढ़, पूरी तैयारी के साथ यहां पहुंचा है। श्री गंगानगर के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब 5 नंबर में इशिका, क्या गजब का खेल दिखाया अब तक के खेल में, जितनी तारीफ रही उतनी कम। डबल थाई होल्ड की कोशिश लेकिन लक्ष्य तक पहुँचते हुए इशिका ने असरगिक अंदाज से बैक टू बैक 5वां अंक जाता हुआ देखिए, जबकि पहले पॉइंट की प्रतीक्षा में इसमें श्री गंगानगर 1 नंबर से बेहद दबाव दिखाई देने लगा है। बैक होल्ड की कोशिश, दोनों हाथों को बाजू में पकड़ा, मजबूती से शिकंजा कसता, ये टेक्निक हनुमानगढ़ के पिछले 3 मैचों में लगातार देखने को मिली है। इस समय देखिए 10 नंबर पहचान संख्या में इस समय वर्षा पचार सुपर टेकल का शिकार हो गई है, छोड़ने वाला नहीं, सुपर टेकल से खाता खोलता इस समय श्री गंगानगर, या कहें कि धान का कटोरा। आखिर कुछ अलग अंदाज से ही खाता खोला, संकट में था, व्याकुल परिस्थितियां, लेकिन अब रुक्मणी आ गई, हिंद का खेल बड़ा हो सकता है। 2 नंबर पहचान संख्या में टीम की बेहतरीन कप्तान और बैक होल्ड देखिए, दोनों हाथों को, रवीना की जितनी तारीफ करें उतना कम है, हालांकि बोनस अर्जित किया है। 3रा पॉइंट बेहद जबरदस्त, दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाला ये बेहतरीन रोमांचक मैच, सुपर टेकल ऑन फिर से मुश्किल में थोड़ा सा श्री गंगानगर, इसी का आसानी से बाज नहीं आने वाली, कमजोर होता श्री गंगानगर। 1994 में श्री गंगानगर के कोख से जन्म लेने वाला हनुमानगढ़ इस समय उसी के लिए मुसीबतें पैदा कर रहा है, जहां एक तरफ श्री गंगानगर धान के कटोरे के नाम से मशहूर है, वहीं हनुमानगढ़ चावल के कटोरे के नाम से पहचान रखता है। यह है खूबसूरती और इनकी विशेषताएं, जबकि इस समय 68वीं राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ ऑल आउट करता हुआ इस समय श्री गंगानगर को। टाइम आउट इस समय कोच मनु जी के द्वारा, और सही वक्त पे टाइम आउट लिया है कि अच्छी स्ट्रेटेजी तैयार करने का सुनहरा अवसर हनुमानगढ़ के लिए। स्कोर इस समय हनुमानगढ़ 9 जबकि श्री गंगानगर 5 लगातार गणना करते हुए मंजू जी जाखड़ और उनके साथ सिद्धार्थ जी भी लगातार सेवा में, और शिला जी चौधरी जबकि विमला जी आचार्य सेवाओं में। प्रचार एक बार फिर से
बहुत शुरुआत दिलाने में प्रसार का बहुत बड़ा रोल है। आत्मविश्वास देखिए इनका कितना शानदार तरीके से झलक रहा है। इनके कौशल और जोश जज्बे को निश्चित रूप से सलाम। बहुमुखी प्रतिभा की धनी, शाइनिंग स्टार, चमकदार, असरदार, दमदार, डबल रोल में नजर आते हैं। ये बेहतरीन डिफेंडर भी मानी जाती है, लेकिन उतनी शानदार राइडर है। बैकआउट की कोशिश है, पहुंच गई है, बड़ी राइड इस समय है। ये बड़ा तीर इस समय चलाया है रुक्मणी के तर्कस से, बड़ा तीर हनुमानगढ़ संकट में। बीएसएनएल चौका देखिए, 4 पॉइंट का इशारा, सबसे बड़ी राइड इस मैच की अब तक की। अब वापस मैच में जबरदस्त पलटवार, साथ का डिफेंस, हौसला लौटता हुआ रवीना, इसी का है टच पॉइंट। भाव भेंगे माई कमजोर है, कॉर्नर पे शायद, जी हाँ, बाहर जाना होगा। हनुमानगढ़ गोज टू इन डबल फिगर, लेकिन रुक्मणी को रोकना कतई आसान नहीं है। वह फॉर्म में आ चुकी है, लेकिन वर्षा पचार एक बार फिर से पेचीदा अंदाज से इनका खेल निश्चित रूप से निराला है। यहाँ हनुमानगढ़ का प्याला है, क्या फिर से उसी बालिका को बाहर भेजा 8 नंबर से इस बार। जी हाँ, जब जब वर्षा दावा करती है कुछ पॉइंटों की बौछारे हनुमानगढ़ के प्याले में आई जाती है। ये अंदाज देखिए, क्या दाद देनी होगी अक्षरा के, उनके साथ अच्छा साथ मिला 12 नंबर से। और एक बार फिर से पचार ही आगे बढ़ रही है, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। हालांकि अच्छी वापसी कुछ हद तक की है श्रीगंगानगर ने, जो 4 पॉइंट की बड़ी रेड मिली। और यहां थाई होल्ड पे अटैक की कोशिश मगर नाकामयाब है। वर्षा कोनार लाडली बेटी इस समय सेरडा गांव से बिलोंग करने वाली, भादरा पंचायत और हनुमानगढ़ जिला फिर से जाल में फंसता इस वक्त है श्रीगंगानगर। हनुमानगढ़ के चावल के कटोरे में फंस गया है श्रीगंगानगर। इसी का सुपर टेकल ऑन है, तीन की पहचान, तीन का डिफेंस, माफ कीजिए, जबकि 5 नंबर पहचान संख्या, नियंत्रण खोया, क्या यह पहुंच जाएंगे। अच्छा नियंत्रण है, इस समय मौका आया था पहुंचने का, मगर कमाल का कंट्रोल इस समय श्रीगंगानगर सुपर टेकल से 2 पॉइंट लेता हुआ। टाइम आउट लिया गया है सरदार जी, हाँ हिदायत देते हुए 15-12 का स्कोर, 3 अंक की बढ़त है हनुमानगढ़ के पास। धान का कटोरा और चावल का कटोरा आमने सामने, जबकि सेमीफाइनल मैच है। मैच में जीत दर्ज करते हैं, फाइनल में जगह बनाने चाहेंगे दोनों टीमों में से, देखते कौन फाइनल में पहुंचती है। जबरदस्त, यहाँ देखिए डबल नहीं ट्रिपल रोल में नजर आती है इस समय, क्या कमाल का कवर किया, बेहतरीन ब्लॉक इस समय वर्षा प्रसार के द्वारा। दीवार टूटने वाली नहीं है ये, हौसले देखिए इस बालिका के, होनार बेटी इसमें सेरडा गांव से, जो कि भादरा ब्लॉक से बिलोंग करती है, और वहीं हनुमानगढ़ जिला। अब इसी का एक बार फिर से ओहो आंधी का रुख, धूल मिट्टी उड़ती हुई, 17-12 के साथ अब 5 अंक की बढ़त आ चुकी है हनुमानगढ़ के प्याले में। जर्सी नंबर 1 7 का सोलिड डिफेंस, और ये देखे तकनीकी पीछे रह गई है, अच्छा कंट्रोल, फिर से बाहर जाना होगा गंगानगर को। तालमेल जबरदस्त है हनुमानगढ़ का, और ये स्ट्रेटेजी इन्हें सफलता दिलाएगी। इसी का एक बार फिर इकलौते डिफेंडर ऑल आउट का सुनहरा अवसर, आसानी से देखिए दूसरी बार ऑल आउट करता श्री गंगानगर को हनुमानगढ़ बड़ी बढ़त पे। जबरदस्त लाइन में है, एक बार फिर से पिछड़ता हुआ, और ये देखिए रुक्मणी को कैच करता इस समय, जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है अक्षरा की। अक्सर ये हर मैच में दोनों हाथों को कब्जे में लेते हैं, और एक ऐसी तकनीकी लेकर आई है जिसे हर कोई आजमाना चाहेगा आगे के खेल में, भविष्य के अगर बात की जाए तो। फिर से लंबी उड़ान भरी, सीधा हनुमानगढ़ लैंडिंग होती हुई। 12 का स्कोर है श्री गंगानगर के कोच प्यास बुझाते हुए जलजीरे के साथ। गंगानगर की तरफ से हनुमानगढ़ पर धावा बोलने पहुंची, काफी पिछड़ता हुआ, और वही तकनीकी फिर से देखे, क्या नियंत्रण है, लोबी में थे मगर जाने नहीं दिया। 24वां पॉइंट हनुमानगढ़ के गढ़ में, वर्षा पचार आउट,
आत्मविश्वास से भरपूर भरपूर गजब का कॉन्फिडेंस, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और यहाँ देखिए जो पीछे है श्री गंगानगर की रेडर है, घुटने के ऊपर चोट है, ब्लड बहता हुआ आप देख सकते हैं, चिंता का विषय श्री गंगानगर की चोटी बालिका इस समय घुटने पर देखिए जख्म कितने गहरे हैं, मुकाबले में पीछे इसलिए और भी ज्यादा चिंताएं। 10 नंबर पहचान संख्या जो कि क्रिकेट जगत में सचिन तेंदुलकर का नंबर रहा है, जो कि क्रिकेट से तो रिटायरमेंट हो चुका हुआ नंबर, इंडियन टीम में कोई दूसरा खिलाड़ी नहीं पहन सकता, लेकिन कबड्डी में इस वक्त वर्षा पचार इस नंबर को काफी अच्छा शगुन के रूप में अंकित करती हैं अपनी जर्सी पे। 8 नंबर से इस वक्त 7 का सॉलिड डिफेंस, बेहद दबाव में, प्रेशर लगातार बढ़ता हुआ, फर्स्ट हाफ का खेल अब ज्यादा बाकी नहीं है इसी का। 4 के डिफेंस से 2 बार जैसे ऑल आउट किया, एक मनोवैज्ञानिक बहुत दबाव और वही कागजी स्कोर में भी काफी पीछे मैच में। देखते हैं कि एक बड़ी प्लान के साथ मैदान में उतरा हनुमानगढ़, और शानदार स्ट्रेटेजी के साथ जो अटैक किया बेहतरीन रेडर रेड लेकर के, वर्षा पचार हो या फिर इसी का, और उसी के साथ जबरदस्त डिफेंस में वर्षा पचार भी दिखाई दी तो रवीना और अक्षरा ने बैको भी साथ दिया। 27 सेकंड गुजारे, एक बार फिर से जर्सी नंबर 8 श्री गंगानगर से इस बालिका से काफी अपेक्षाएं, लेकिन इस समय चिंतित है श्री गंगानगर। और वही तकनीक देखे, बार बार दोनों बाजुओं के ऊपर अटैक और वापस खींच लेती है, साथ अच्छा मिला। एक बार फिर से वर्षा पचार और रवीना एक्स्ट्रा मिलकर, इन तीनों का डिफेंस देखने लायक है, टू डाई भी है और सुपर टेकल भी है, अब देखने में मजा आएगा। देखिए लक्ष्य तक पहुंच गए, डबल टच पॉइंट, ऑल आउट के कगार पे फिर से श्री गंगानगर। 1994 यानी 1994 में श्री गंगानगर के कोख से जन्म लेने वाला हनुमानगढ़ इस समय श्री गंगानगर के लिए ही चुनौती बन गया है, जहां एक तरफ श्री गंगानगर धान के कटोरे से पहचान प्रसिद्ध है, वहीं चावल का कटोरा इस समय एक और चावल डालता हुआ डिफेंस के बलबूते बड़ा स्कोर ऑल आउट करता हुआ, 3 अंक कुल मिलाकर 1+3 पॉइंट 30-30 पे पहुंचता हुआ, जबकि 12 पे है इस समय श्री गंगानगर। 18 अंक की कितनी बड़ी बढ़त, बोनस का शानदार मुजाहरा पेश किया। 28 सेकंड का समय गुजारा, टाइम आउट हनुमानगढ़। फिर से हनुमानगढ़ की तरफ, फर्स्ट हाफ का तकरीबन 3.5 मिनट का खेल बाकी है, और यहां देखे वही तकनीकी रुक्मणी को उठा लिया है, बरसक प्रयास किए, बायां हाथ आगे बढ़ाते हुए, लेकिन छोड़ने वाली नहीं है यहाँ अक्सर, अक्सर इन्हीं के लिए ये पहचान रखते हैं, बैक होल्ड के रूप में गजब का डिफेंस गंगानगर के सामने हनुमानगढ़। बोनस की कोशिश वर्षा पचार, कितनी बहादुर हैं ब्रेव गर्ल, इस वक्त जितनी तारीफ प्रशंसा करें उतनी कम है, बेहतरीन रेडर हैं, उतने ही शानदार डिफेंडर, अच्छा कवर करती हैं, और ब्लॉक भी इनका देखने लायक होता है। बोनस के साथ फायदा मिला है फिर से 1 अंक का, लेकिन लगातार पिछड़ता हुआ मैच में श्री गंगानगर, नाम से पहले श्री लगा है लेकिन उसके अनुसार खेल नहीं पाया इस मैच में अब तक, जबकि हनुमानगढ़ कामयाबी की ओर है, पॉइंट की मांग की जा रही थी, लेकिन प्यास बुझाते हुए इसमें तमाम ऑफिशियल्स, विमला जी आचार्य, शीला जी चौधरी, मंजू जी जाखड़, सिद्धार्थ जी और तमाम ऑफिशियल्स इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण रोल है इनका, लगातार गणना में इस समय मंजू जी जाखड़, जबकि पर्दे की छाव में इस समय शीला जी चौधरी, पर्दे में रहने दो। एक बार फिर इशिका चली है, ऊंचा लंबा कद स्टार रेडर, उदयमान खिलाड़ी, बेहद दबाव में प्रेशर बढ़ता जा रहा है लगातार, जो देखने को मिला खेल में, हनुमानगढ़ के खेल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। क्लियर नहीं था, पीएम श्री महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय राय सिंह नगर कंपल्सरी अनूपगढ़ की तरनताल से मैं गजानंद, आप सबका स्वागत अभिनंदन। रुक्मणी बड़ी देर से सफल यहां बोनस के साथ टच पॉइंट, लेकिन अक्षरा चले हैं बड़ी देर से रेड लेकर, इससे पहले
वर्षा पचार या फिर इसी का ही रेड पे जा रही थी, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं बहती गंगा में हाथ धोना चाहेंगे क्योंकि वर्षा पचार और इसी का दोनों बाहर हैं। ऐसे में अक्षरा को अक्सर रेड के लिए आगे जाना पड़ा। डी लाइन को छूकर कम बैक, 27 सेकंड के बाद कम बैक, 5 का डिफेंस है, बोनस ऑफ है, बैकहोल्ड की कोशिश मगर अक्षरा को ही अब बाहर जाने मजबूर हुआ। पहली बार शायद असफल है बैक होल्ड की कोशिश में। रवीना आ गई है, डू डाई पे है रवीना और ये शायद पहला रेड है रवीना का इस मैच में। बोनस की शानदार कोशिश की है, कामयाब होनी चाहिए शायद। यदि वापस लौटेंगी 16 का स्कोर है तो भी नुकसान नहीं होने वाला। 32-16 देखिए जितना स्कोर श्री गंगानगर का, 16 का स्कोर, उससे दुगना स्कोर है यानी उतनी बढ़त है हनुमानगढ़ के गढ़ में। एक तरफ धान का कटोरा श्री गंगानगर, वहीं चावल का कटोरा हनुमानगढ़। तो चावल शुभ संकेत है जो कि हिंदू धर्म में माने जाते हैं। अब 33 पे पहुंचता हुआ हनुमानगढ़ है, फिर से वही तकनीकी अपनाई लेकिन एक पॉइंट यहां मिलता हुआ रुक्मणी और श्री गंगानगर की गंग नहर में। हाफ टाइम के समय स्कोर है 33 हनुमानगढ़ जो कि घग्गर नदी के निकट बसा है, वही 17 स्कोर है श्री गंगानगर का। तमाम ऑफिशियल्स इस समय पूरा आनंद उठाते हुए इस मैच का, जबकि नारी शक्ति के रूप में इसमें मधु पूरी प्रसन्न बेहतरीन ऑफसेटिंग की भूमिका में यह नजर आई, पूरा एंजॉय कर रहे हैं, खुशी का ठिकाना नहीं। प्यास है बड़ी, शीतल पे से प्यास बुझाते हुए इसमें ऑफिशियल्स शानदार सेवाओं में लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए रावला मंडी में जो टूर्नामेंट का आयोजन करवाया था उसमें भी इन मोहम्मद भाई साहब का भी बेहतरीन रोल था और इस समय शीतल पे की सेवाओं के साथ यहाँ नजर आते हुए। शुक्रिया तमाम सेवाओं के लिए आप सबका। सेकेंड हाफ का खेल अब लीजिए, 16 अंक हनुमानगढ़ आगे है और पहली रेड से फायदा मिलता हुआ इस समय सीमा को बाहर धकेलने में कामयाबी। रुक्मणी आक्रामक हो सकते हैं इस हाफ में तो वापसी भी संभव है श्री गंगानगर की, लेकिन यहां रवीना टच पॉइंट की मांग कर रही है, सफल होनी चाहिए बोनस के रूप में ही सही। 34 पे पहुंचता हुआ इस समय सुपर टेकल ऑन है रुक्मणी, आक्रामक रेडर मुश्किल, कड़ा इम्तिहान इस समय हनुमानगढ़ का। देखते हैं कैसे सामना करते हैं। सेल्फ आउट है रवीना, ये बड़ी मिस्टेक, आसान अवसर ऑल आउट करने का, रोकने की भरसक कोशिश, लेकिन अच्छा जवाब दिया है इस समय सेकंड हाफ में। शुरुआती समय में हनुमानगढ़ गंगानगर के सामने हनुमानगढ़ ऑल आउट 7 रन के साथ। वर्षा पचार चली है, वापसी जरूर चाहेगा लेकिन क्या अटैक है ये इस साइड वाला कोर्ट की, शायद सौभाग्य और शुभ संकेत है। बैकआउट की कोशिश मिल गई सफलता, यहाँ अक्षरा के जितनी तारीफ करे उतनी कम है। बोनस जरूर अर्जित किया लेकिन बड़ी मछली जाल में फंसाने में इस समय चावल का कटोरा हनुमानगढ़ कामयाब रहा। 35-24 अभी भी 11 अंक आगे, 16 अंक की बढ़त थी हाफ टाइम के समय, कुछ हद तक वापस लौटता बड़ी रेड, सिंगल पॉइंट हनुमानगढ़ के गढ़ में जाता महत्वपूर्ण अंक, जितनी तारीफ करें उतना कम है। अब 11 नंबर पहचान संख्या से 36-24 का स्कोर है इस वक्त। 36-24 कमजोर पकड़ इस समय, पकड़ अच्छी नहीं थी बाजू पे इसलिए लक्ष्य तक पहुंचे। 36-25 का स्कोर इसी का आई है रेड पे, जबकि कॉर्नर पे हैं रुक्मणी। इनकी वापसी वापसी की अपेक्षाएं श्री गंगानगर से, स्कोर का अंतर कम होता हुआ। समय बिताने के लिए यदि हनुमानगढ़ खेल को आगे बढ़ाता है तो पलटवार हो सकता है, इसलिए बीच बीच में पॉइंट भी चाहिए ताकि हावी ना हो श्री गंगानगर। बोनस से देखिए 37, ये अच्छी सोच क्योंकि कोच मन्नू जी की भी पूरी हिदायत रही थी जब कोच चेंज किए गए थे, 5 मिनट का समय मिला, गहरी मंत्रणा उनकी। बोनस से इधर भी इजाफा 26 का स्कोर,
ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 37-26 का स्कोर है। बेहद रोचक होता मैच फर्स्ट हाफ जरूर। गंगानगर 26 थोड़ा सा हनुमानगढ़ की तरफ ज्यादा था, लेकिन फिर से हनुमानगढ़ के कटोरे में एक और बेशकीमती चावल महत्वपूर्ण पॉइंट के रूप में। रेड नंबर 11 तारीफ रे उतनी कम है, 11 नंबर से भी अपेक्षा। जब जब रुक्मणी बाहर हो तो इनके ऊपर दायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये भरोसेमंद है। सेकंड सफल रेडर हनुमानगढ़ पर चढ़ाई करते हुए कॉर्नर पे हैं। वर्षा पचार जो की गजब का रोल इनका, ये देखे कैच, देखे डाई लगाते हुए वर्षा पचार और सामने से अक्षरा ने अच्छा ब्लॉक किया, मिल गई सफलता। फिर से बढ़ता हुआ इसी का फिर से चली है दोनों टीमों के बीच। कमर कसता भाई एक बार फिर लगातार स्कोर में वृद्धि, कमजोर होता भाई इस समय श्री गंगानगर, जबकि हनुमानगढ़ की टीम घग्गर नदी के किनारे बसा है, जिसने 1994 में श्री गंगानगर की कोख से जन्म लिया, यानी श्री गंगानगर से अलग होने वाला ये जिला। ये देखिए अक्षरा दोनों बाजू को कैसे पकड़ लिया, ठस से मस भी नहीं होने दिया रेडर को, अब ऑल आउट के लिए आगे बढ़ता हुआ इसी का। और हनुमानगढ़ अवसर है वापस जवाब देने का दूसरे हाफ में, 41-26 और यहाँ एक ही पॉइंट से संतुष्ट होंगे शायद। 41-26 लास्ट खिलाड़ी ऑल आउट की कगार पे श्री गंगानगर। 42-26 देखिए कितनी बड़ी बढ़त है, 16 अंकों की ऑल आउट के साथ ये बढ़त है, 18 से 19 पॉइंट की हो सकती है। फंस गई है चांद में, बोनस से भी चूके और अब 45 समय जाया करते हुए 45 पे पहुंचता वही समय हनुमानगढ़, जबकि 26 पे श्री गंगानगर। वर्षा पचार की जितनी भी तारीफ करें उतनी कम, बोनस अर्जित किया। यह वार्निंग दी गई, फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वार्निंग है ये, एक फर्स्ट हाफ में भी वार्निंग मिला था हनुमानगढ़ की कोच को। शानदार ऑफसेटिंग, क्योंकि दोनों टीमें अंपायर के लिए बराबर, तराजू का कार्य करते हैं तमाम ऑफिशियल से, इसीलिए खेल का आनंद ही कुछ और है। इधर भी बोनस मिलता हुआ पिछड़ता मुकाबले 27-46 का स्कोर, 27-46 21 पॉइंट पीछे इसी का समझ आया करती। 46 फिर से बोनस की कोशिश की है, टाइम आउट लिया है इस समय, क्या गुरु मंत्र होंगे गंगानगर के साथ, मुकाबले में बहुत पीछे है, दबाव के पल हैं सेकंड हाफ, इसलिए समय का भी दबाव होगा, जितना होश के उतना जल्दी बढ़त कम करना होगा, नहीं तो समय के साथ साथ दबाव भी बहुत बढ़ जाएगा श्री गंगानगर के ऊपर। हनुमानगढ़ की टीम दो नंबर से रुक्मणी फिर से चले हैं, टाइम आउट दिया था श्री गंगानगर ने और कोई चारा नहीं, कुछ मंत्रणाएं कोच की तमाम बालिकाओं के साथ नजर आ रहा है, सब कुछ झोंकना चाह रहे हैं, यहाँ कोच भी गुरु गंभीर है, लेकिन इस समय बड़ी रेड हो सकती है, डबल टच पॉइंट प्लस बोनस यानी सुपर रेड, वाह। इस प्रकार से श्री गंगानगर देखिए गुरु की महिमा कितनी अपार है, वापसी की दुगत में इस समय गुरु दक्षिणा का तो फायदा मिला होगा, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचते हुए समय रेडर थोड़ी सी चिंता में, इस समय कोच लगातार हिदायत देते हुए। रुक्मणी पकड़ मजबूत है इस समय, वर्षा पचार अच्छा बैक होल्ड करते हुए, हालांकि पांव पे दांव अजमाया था मध्यांतर में कैच के रूप में अक्षरा ने, और अच्छा साथ वहां रवीना का मिलता हुआ। वर्षा पचार ही चली है, हौसले बुलंद है इस बालिका के, नेशनल के लिए जानी चाहिए, चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया इस बालिका ने निश्चित रूप से, नेशनल में यदि इनका चयन होता है तो ये राजस्थान टीम के लिए अच्छी खबर होगी, और वहीं इसी का भी प्रबल दावेदार है, और वहीं रुक्मणी श्री गंगानगर से, ये तीन ऐसे स्टार हैं जिनकी जगह नेशनल के लिए शायद कहीं ना कहीं बनती है, बहुत बड़ा जिला, जबकि डिफेंडर के रूप में अक्षरा ने भी गजब का प्रदर्शन किया है, दावेदारी उनकी भी जबरदस्त है, लेकिन ये चयन समिति के ऊपर निर्भर, किस नजरिए से जो भी पंचायत वो चयन करते हैं खिलाड़ियों का, पूरे टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस देखा जाएगा, टच पॉइंट यहाँ जरूर, एक एक पॉइंट काफी बेशकीमती, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है।
देखते हैं श्री गंगानगर की नहर भर पाती है कि नहीं। एंगल होल्ड का शिकार, बड़ी देर से सफलता मिली है और अब कम बैक यहाँ रुक्मणी, ये अच्छी खबर है। कमजोर डिफेंस साबित करना चाहेंगे रुक्मणी, लेकिन डिफेंस की इस समय परीक्षा। थाई पे पकड़ मजबूत है, पीछे रह गई, अब छोड़ने वाला नहीं हनुमानगढ़। धान के कटोरे से चावल के कटोरे में महत्वपूर्ण अंक जाता हुआ। कंटिन्यू अपनी स्थिति मजबूत करता हुआ इसी का रेड पे वापस लौटी थी, बड़ी रेड हो सकती थी लेकिन लक्ष्य से थोड़ा दूर रही। धारण करते हुए पिलानी से हमारे बीच गजानंद जी दोबरा, पिलानी से है हमारे बीच 49 33 49 33 16 अंक की विशाल जो है महत्वपूर्ण एक पेज है बढ़त, वहां से लाइव प्रसारण बड़ा खेल इसमें देखेगा इसी का रेड के ऊपर है और इनके सामने मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रसारण किया जा रहा है बेहद दबाव में श्री गंगानगर हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर फाइनल में पहुंचने वाली टीम अपने घर पर फॉर्म करके मेजबान अनूपगढ़ के साथ खेलेगी, जिन्होंने बेहद रोमांचक सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज की थी। अनूपगढ़ ने गवर्नमेंट सीनियर्स के लेकिन यहां देखते हैं इस वक्त जहां पर हनुमानगढ़ शायद फाइनल पहुंचना चाहिए, बोनस से फिर वर्दी करता। कबड्डी टूर्नामेंट हुए थे उनको भी पूरा कवर किया था फिर से रवीना, 17 वर्षीय कबड्डी के जो टूर्नामेंट हुए थे उसको भी कवर किया था और आखिरी 5 मिनट आखिरी बोनस से हनुमानगढ़ की 50 कम जब हर शतक आता हुआ लीजिए हर शतक के साथ सुखद स्थिति में होगा। एंगल होल्ड अक्षरा शानदार ब्लॉक करती है और सीमा के द्वारा गजब का होल्ड और श्री गंगानगर इसी का एक बार फिर से तो 17 और 19 वर्षीय जो रावला मंडी में हाल ही में संपन्न हुआ था राज्य स्तरीय विद्यालय कबड्डी टूर्नामेंट देखना ना भूलें। 14 वर्षीय पहले मैच से लेकर फाइनल तक का पूरी कवरेज और यहाँ पिलानी से पहुंचे हुए गजानंद जी दोबड़ा और गवर्नमेंट सीनियर स्कूल राइजिंग नगर से लाइव टेलीकास्ट लगातार इस समय इसी का प्रयासरत है। 5 के डिफेंस के साथ बोनस ऑफ खामोशियां ही बेहतर हो सकती है। अंतिम 4 मिनट का खेल शेष, पूरी तैयारियां करता हुआ ये देखिए ये ताकत है और नजाकत है। डिफेंस की बात की जाए तो अक्सरा अक्सर दोनों बाजू पे पकड़ मजबूत करती हैं और वापस खींच लेती हैं, ये ताकत से बाहर नहीं निकल पाया श्री गंगानगर प्रयास। और जब जब अवसर मिला है चाहे वो रुक्मणी हो या उनकी तमाम रेडर बाहर का रास्ता दिखाया है, अदाकदा ही रुक्मणी सफल रही, यही वजह की इस समय हनुमानगढ़ जीत की तरफ कदम बढ़ाता हुआ। जीत के साथ ही उनका फाइनल में सामना मेजबान अनूपगढ़ के साथ होगा, देखना ना भूले। वर्षा पचा जितनी तारीफ की जाए उतनी कम और ये देखे वही तकनीकी फिर से 7 नंबर को हो, कितनी मजबूत है इनकी बाज में और डिफेंडर को कमजोर करती हुई। समय बमुश्किल 2 मिनट का शेष, डूडाई और सुपर टेकल ऑन पहुंच गई लक्ष्य तक आसानी से, निश्चित रूप से आत्मविश्वास बढ़ावा भारतीय गंगा में हाथ धोती भी। शायद 3 मिनट का खेल शेष है, कॉर्नर पे जो दिखाई दे रही है 10 नंबर में पचार धक्का दिया बाहर धकेला, ऑल आउट के लिए फिर से श्री गंगानगर और अब वापसी की संभावनाएं लगभग खारिज हो जाएंगे ऑल आउट के साथ ही। वर्षा 50 चली सबसे सफल रेडर, 34-55 का स्कोर है, देखिए 55 पहले ही स्कोर है जबकि 34 पे गंगानगर ऑल आउट के साथ ही देखे 57 पहुंचता हुआ 58 माफ कीजिए 58 34, अब 24 अंक की बढ़त लेकिन रुक्मणी आक्रामक अंदाज से बोनस के साथ टच पॉइंट हासिल करने में कामयाब। 36-58 22 अंक बहुत बड़ी बढ़त है, समय समाप्ति के करीब मुश्किल 2 मिनट का खेल शेष, 2:30 बजे के बाद अब तो चमत्कार भी शायद वापस नहीं ला सकता क्योंकि 22 अंक की लीड को काटना कतई आसान नहीं इसी का यहां टच पॉइंट के लिए। 8 नंबर को बाहर भेजा, लीजिए 59-59 पे हनुमानगढ़ 1994 में बना हनुमानगढ़ जिला जो की श्री गंगानगर से अलग हुआ और बैक होल्ड देखे गजब का रुक्मणी को धर दबोचा, कोई पहचान नहीं है यहाँ चाहे रुक्मणी हो या अन्य रेडर, हनुमानगढ़ इसी अंदाज से
टेकल करने में सफल रहा है। तो जहां श्री गंगानगर धान के कटोरे के नाम से प्रसिद्ध है, वही हनुमानगढ़ चावल के कटोरे से मशहूर है। वर्षा पचार छेरडा गांव से, भादरा तहसील से हनुमानगढ़ जिले के होनार उभरते विस्तार, शिक्षा के साथ साथ खेल जगत में भी जबरदस्त टोटस की कोशिश, बेहतरीन रोल अदा किया है वर्षा पचार ने। बेहतरीन रेडर, उतनी शानदार डिफेंडर, बेहतरीन कॉर्नर, गजब का बलोक, अच्छे पुश से और उमदा कैप्टनसी भी देखी जा सकती है। फिर से देखे टाई लगाते हुए कैच किया एंगल होल्ड के रूप में, फिर से महत्वपूर्ण अहम रोल अदा करती वर्षा पचार। एक्सरा सीमा इसी का तमाम होनार बेटियां इस वक्त दो जिलों की, जो कि हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर पड़ोसी जिले हैं एक दूसरे के। सुपर टेकल ऑन, तीन का डिफेंस, संकट की घड़ी, निश्चित रूप से हार की कगार पे श्री गंगानगर, जबकि हनुमानगढ़ जीत की मंजिल के करीब। एक और सफल रेड यहाँ इसी का की जीत की मंजिल पे बिल्कुल सफलता उनके दरवाजे पे दस्तक दे रही है और उनका सामना फाइनल में मेजबान अनूपगढ़ के साथ होगा। बेहतरीन ब्लॉक किया यहाँ और यहाँ देखिए ऑडियंस भी जबरदस्त अंदाज से। खेल यहां समाप्त 64-37 के साथ खेल पूर्ण होता हुआ और बड़े अंतर से यहां हनुमानगढ़ ने श्री गंगानगर को पराजित करते हुए फाइनल में जगह बनाई है, जहां उनका सामना मेजबान अनूपगढ़ के साथ होगा। बहुत बड़ी जीत, हौसले बुलंद होंगे। वर्षा पचार सफल रेडर, उनके साथ साथ इसी का भी बेहतरीन रेडर, वही रवीना अक्षरा और सीमा ने गजब का खेल दिखाया है। 27 पॉइंट के बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। बधाई देते हुए इसमें तमाम ऑफिशियल से, समय लीजिए, खुशी का ठिकाना नहीं इस समय। ऑडियंस कतद होने के साथ यहां स्वागत अभिनंदन किए वानगी। उपासर और सिद्धार्थ जी भी यहां बेस्ट रेडर को 500-500 रुपए के उपहार से नवाजा जा रहा। वर्षा पचार और यहां अक्षरा को 500-500 के उपहार से सम्मानित निश्चित रूप से किया जाएगा। गजब का खेल दिखाया, नेशनल के लिए डिजर्व करती हैं। एक यादगार छायाचित्र हो जाए, खुशी के ये लम्हे, यादगार पल, ऐतिहासिक हनुमानगढ़ की दृष्टिकोण से। हैव ए ग्रेट डे, जैसे ही फाइनल होगा हम आपको फाइनल के लिए ले चलेंगे, देखना ना भूलें। शुक्रिया, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।